सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एडवांस व्हीकल्स मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करने के बाद आप अपने माइनक्राफ्ट के अंदर ढेर सारे एडवांस व्हीकल्स को ऐड कर सकते हो, जिनकी मदद से आप बहुत ही ऑसम बिल्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से आपको ये भी शो कर देता हूं कि आप इस मॉड को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, और एट दी एंड मैं आपको ये भी शो कर दूंगा कि आप इस मॉड को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। वैसे तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करा है तो वेट किस बात का करो, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आप इन मतलब एडवांस व्हीकल्स को क्रिएटिव से लेना चाहते हो, तो क्रिएटिव से लेने के लिए आपको नेचर के सेक्शन में, मॉब एक्स के सेक्शन में, यहां पे आपको सारे के सारे जो मशीन है मिल जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हो पेविंग मशीन और ये अपना फेंस बिल्डर, रेल बिल्डर और भी ढेर सारे यहां पे आपको व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक सो यहां पे आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां पे आपको टोटल 8 व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे। पर यहां पे आपको इनके लिए फ्यूल भी चाहिएगा, तो फ्यूल के और पे यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ब्लॉक ऑफ आयरन और तीसरा हमारा ब्लॉक ऑफ लैपिस लजूली। वैसे ब्लॉक ऑफ लैपिस लजूली का कोई यूज नहीं रहता है, पर इस मॉड को यूज करने के बाद उसका यूज ही यूज रहेगा। तो कोई नहीं, पहले तो मैं यहां पे कोई एक क्राफ्टिंग टेबल भी लेता हूं ताकि यहां पे मैं आपको इनकी क्राफ्टिंग रेसिपीज भी शो कर पाऊं। वैसे गाइस, आप इनकी क्राफ्टिंग रेसिपीज को देख के ना चौंक जाओगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने गेम मोड को स्विच कर लिया सर्वाइवल में, और ये रही अपनी क्राफ्टिंग टेबल्स को यहाँ पे प्लेस करते हैं, और यहाँ पे क्राफ्ट टेबल को करते हैं ऑल पे, और अपने नेचर के सेक्शन में यहाँ पे आप सारे के सारे क्राफ्टिंग रेसिपीज देख सकते हो। मतलब ये नेदरराइट के ब्लॉक्स, मतलब इतना ज्यादा महंगे ब्लॉक्स लगाने पड़ रहे हैं तब जाके यहाँ पे आप अपने व्हीकल्स को क्राफ्ट कर सकते हो। तो कोई नहीं, वापस अपने गेम मोड को क्रिएटिव में स्विच कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अपने मोड को अच्छे से शो कर पाऊं। तो यहाँ पे अपना गेम मोड हो चुका है क्रिएटिव में स्विच, और ये अपनी पहली मशीन जिसका नाम है पेविंग मशीन। तो एक काम करते हैं, पेविंग मशीन को तो मैंने स्पॉन करी लिया, तो यहाँ पे एक लैपिस लजूली ब्लॉक ले लेते हैं और उसकी जगह आयरन ब्लॉक ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोड 1 और मोड 2। तो मैंने गलती से मोड 2 इनेबल कर दिया पहले, तो कोई नहीं, मोड 2 यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ना स्मूथ स्टोन के स्लैब्स लगा सकते हो, जो कि मतलब रोड बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और मोड 1 में यहाँ पे आप अब नॉर्मल स्टोन ब्रिक्स के ब्लॉक्स लगा सकते हो, जिससे कि बहुत ज्यादा अच्छी लुक आने वाली है। और दूसरी मशीन, हाँ गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि भाई एक ही बार में मैंने इसमें डाल दिया और उसका काम बनता रहेगा, पर ऐसा नहीं, थोड़ी देर में इनका फ्यूल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। जितना आप यूज करोगे उतना फ्यूल आपको डालना पड़ेगा। और दूसरी मशीन है अपनी फैंस बिल्डर, जिसके अंदर हम डालेंगे फैंस। फैंस नहीं डालना आपको, कोई सा भी लैपिस लजूली ब्लॉक डाल दीजिए, और जैसे ही आप इसको आगे चलाओगे ना, पीछे आप देख सकते हो कैसे लंबी सी फैंस लगी हुई आती आ रही है। अगर आप कोई सा अच्छा सा मतलब एरिया बनाना चाह रहे हो जिसके आसपास आपको फैंस लगानी है, तो ये मशीन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और ये अपना हाईवे बिल्डर, जिससे हम हवा में हाईवे बिल्ड कर सकते हैं, तो इसके अंदर डालते हैं ब्लॉक ऑफ आयरन। तो मैंने यहाँ पे स्टोन मोड चालू कर दिया है, तो जल्दी से हवा में अपना क्या बोलते हैं इसको, रोड को बिल्ड करना शुरू करते हैं। रोड नहीं, ये हाईवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईवे बिल्ड होना शुरू हो चुका है, और उसके नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वॉल्स भी लगती आ रही है, जिससे कि मतलब ऐसा नहीं लगे कि भाई ये हवा में खड़ी हुई है। मेरी फिजिक्स नाम की भी एक चीज होती है। तो वापस इसको थोड़ा आगे और लेते हैं, और लेट्स सी यहाँ पे अगर सी लैंटर्न्स भी लगते होगी ना, तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और लेट्स सी कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे कुछ भी नहीं हो रहा है, पर ये देखने में बहुत ज्यादा ऑसम लग रहे हैं। और नेक्स्ट मशीन जो है वो है हमारी रेल बिल्डर, जिसको यूज करने के बाद आप रेल्स को बिल्ड कर सकते हो। तो उसके अंदर हमको ब्लॉक ऑफ आयरन डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेल्स ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो चुके हैं। पर ये यूजफुल तभी होगा अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में यूज करते जाओ, और आप पीछे देख सकते हो मतलब बीच में अपने जो क्या बोलते हैं वो लगी तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ढंग से यूज नहीं करा। और रेडस्टोन टॉर्च इसलिए लग गई क्योंकि यहाँ पे अपना जो पावर रेल है ना, वो भी ऑटोमेटिकली लगती जाती है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। और ये रही अपनी नेक्स्ट मशीन, जिसका नाम है सीमेंट ट्रक, जिसके अंदर बहुत सारा सीमेंट डाला हुआ है, और यहाँ से आप सीमेंट की रोड बना सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल सीमेंट की रोड है, तो आप इसको कितना भी ज्यादा फैला सकते हो। और नेक्स्ट मशीन कौन सी, अपनी नेक्स्ट मशीन आई थिंक सो
हाईवे बिल्डर, रोड बिल्डर आपको मैं नहीं दिखा, तो रोड बिल्डर को स्पॉन करते हैं और इसके अंदर डालते हैं रोड मोड। वैसे आप और भी मोड चालू कर सकते हो, वो तो मैं आपको नॉर्मली दिखाना चाह रहा हूँ, तो अभी मतलब समझ रहे हो ना। तो कोई नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी नॉर्मल रोड भी कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है। खैर मैं इसको स्ट्रेट नहीं चला पा रहा हूँ इसलिए ये थोड़ी गंदी दिख रही है। और यहाँ पे अपनी राइडिंग मूवर, तो इससे आप ना ग्रास को तोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो फ्लावर वगैरह, तो ये भी टूट जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको तो पता ही होगा मूवर का मीनिंग क्या होता है। और अगर आप इसके अंदर क्या नाम है अपना स्टोन डालोगे, मैंने गलती से एक के ऊपर एक स्पॉन कर दिया। और यहाँ पे देखो मोड वन मिल जाएगा, और इससे ना आप कोई से भी ब्लॉक को अपने ग्रास ब्लॉक में चेंज कर सकते हो। और टॉर्चेस भी ऑटोमेटिकली लगती जाएंगी, कि अगर आप अंडरग्राउंड लगा रहे हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉर्च भी तो होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ग्रास के ऊपर ही करे जा रहा हूँ, तो कोई नहीं एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज मिल जाएगी जिसका नाम है ग्रास फ्यूल, जिसको लगा के मैंने गलती से अपना आयरन ब्लॉक ही फेंक दिया। तो कोई नहीं, यहाँ पे इससे ना आप हवा में ग्रास ब्लॉक्स लगा सकते हो। अगर आपको ग्रास ब्लॉक की रोड चाहिए तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप यहाँ पे जंप भी मार सकते हो ताकि आप ना हवा में बिल्ड करते जाओ। यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है। और अगर हम इसको कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी देर तक चलाते रहते हैं। और हाँ, आप इसको नॉर्मली इसको चलाने के लिए भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो फ्यूल खत्म हो चुका है, वार्निंग आती है पर इस बार नहीं आई, आई डोंट नो क्यों नहीं आई। और यहाँ पे अपनी लास्ट मशीन बच रही है आई थिंक सो, ड्रिलर, कहाँ गया भाई ड्रिलर? तो ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये अपना ड्रिल माइनर, तो इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे आप इसको यूज करके ना रातों रात माला माल बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे आपको कॉबल स्टोन्स मिल जाएंगे। और पीछे इतना अंधेरा हो गया, तो कोई नहीं, यहाँ पे आप बहुत तगड़ी माइनिंग कर सकते हो। मेरी इन्वेंटरी ना पूरे कॉबल स्टोन से भरा चुके हैं, यानी कि मिनटों में आपको बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे। तो होप गाइस मैंने आपको ये भी समझा दिया कि आप इस मॉड को कैसे यूज कर सकते हो। मैं आपको ये भी शो कर देता हूँ कि आप इस मॉड को अपने माइनक्राफ्ट के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेव एंड क्विट, और तो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही प्रोवाइड कर दी, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। तो जल्दी जाकर उसके ऊपर टैप कर दीजिए। और आपको तो पता ही है आपने डाउनलोडिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर देना, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर से कुछ नहीं हुए, कुछ एक्सट्रैक्टिंग की दिक्कत पड़ी, तो डोंट वरी, मैंने उस पर एक वीडियो पहले ही बना रखी है हाउ टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हो। बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स को इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना। यहाँ पे करनी क्रिएट न्यू वर्ल्ड, वाइल क्रिएटिंग यहाँ पे आपको हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम बायोम्स और एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, तीनों को बारी बारी करके डाउन ऑन कर लेना है। और एडवांस सेक्शन में यहाँ पे आपको रिसोर्स पैक में मिल जाएगा रूट बिल्डर, तो सिंपली उसको एक्टिवेट कर दीजिए। बिहेवियर में ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा, पर अगर से कुछ नहीं हुए, एक्टिवेट ही नहीं हुए, तो ऑब्वियसली आपको एक्टिवेट कर देना है। और आफ्टर एक्टिवेटिंग यहाँ पे आपको अपनी वर्ल्ड को कर देना है क्रिएट। और जैसे यहाँ पे अपनी वर्ल्ड को कर दोगे क्रिएट, यहाँ पर आपका मॉड एकदम अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगा। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप मेरे से वहां पर टॉक कर पाओ और दूसरी बात नए फ्रेंड्स को क्रिएट कर पाओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।